सब्सक्राइब कीजिए टेक जिला चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक जिला चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एमएस वर्ड में बैकग्राउंड इफेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, इसका कलर कैसे चेंज करते हो, मार्च के वीडियो में देखेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने एमएस वर्ड ओपन करना है। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद आपको डिजाइन में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है पेज कलर। उसके बाद आपको जाना है फील इफेक्ट्स में। उसके बाद आपको जाना है पैटर्न में। यहाँ पे आपको बहुत सारे पैटर्न मिल जाएंगे, आप जो चाहे से सेलेक्ट कर सकते हैं। जिगजैग है, ब्रिक है, आप जो चाहे से सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ब्रिक लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं तो बैकग्राउंड में ब्रिक वाला इफेक्ट आ चुका है। इसका कलर चेंज करने के लिए आप पेज कलर में जाना है, फील इफेक्ट्स में जाना है। यहाँ पे देखिए कलर, एग्जाम्पल के लिए येलो लीजिए। अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, बैकग्राउंड कलर ब्लू लीजिए। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर और ब्रिक कलर चेंज हो चुका है। आप ऐसे टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। हमें जाना है एग्जाम्पल के लिए रेड लीजिए। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो फिर से डिजाइन में जाना है, पेज कलर में जाना है, नो कलर पे आपको सेलेक्ट कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड इफेक्ट रिमूव हो चुका है। तो आप इस तरह से एमएस वर्ड में बैकग्राउंड इफेक्ट को और कलर को चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। टेक जिला चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।